सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजे वैकेंसी हब। गाइस, इस वीडियो में एक और स्टाफ नर्स की शानदार वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फ्रेश नोटिफिकेशन है। उसकी जानकारी आपको जो है हम देने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, पूरे भारत के नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहेगी। ये जो है हमारा दूसरा चैनल है, पहला चैनल से आप सभी वाकिफ हैं कि पीजे लक्ष्य क्लासेज एक शानदार और इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड चैनल बन चुका है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पैरेलल चैनल पर भी आपको नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट, जैसे कि पीजीआई हो, ईएसआईसी हो, रेलवे हो, या फिर एम्स की वैकेंसी हो, या फिर कोई स्टेट की वैकेंसी हो, सभी की न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो नर्सिंग एंड मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित हर एक न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वैकेंसी के बारे में। एलजीबी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब बात करेंगे अपन स्टाफ नर्स। सबसे पहले नर्सिंग ट्यूटर की बात करें तो 5 पोस्ट रहेगी। लेवल 7 के हिसाब से इसकी अच्छी सैलरी है, 50,000 से ज़्यादा सैलरी रहने वाली। एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है, जहाँ पर अनरिजर्व्ड की 4 और एससी की 1 जो रहने वाली है। स्टाफ नर्स की बात करें तो 10 पोस्ट है L7 के हिसाब से। यहाँ पर भी 50-60,000 सैलरी, 35 साल जो है एज लिमिट, अनरिजर्व के 4 कैंडिडेट, ओबीसी के 3, एससी के 2 और ईडब्ल्यूएस का 1 कैंडिडेट इसमें लिया जाएगा। नीचे रेडियोग्राफर है, स्टेनोग्राफर है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, रिसिप्टनिस्ट है, एलडीसी है, वार्ड सिस्टर है, बहुत सारी वैकेंसीज है। अब आ जाते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नर्सिंग ट्रेडर के लिए मास्टर डिग्री इन साइकाइटिक नर्सिंग विद एटलीस्ट जो है 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो है रजिस्टर्ड है नर्स एंड मिडवाइफरी विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। पूरे भारत के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स में HSSLC पास होनी चाहिए, रजिस्टर्ड एज नर्स यानी GNM या BSc नर्सिंग की होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन विद INC या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल यानी किसी भी स्टेट से हो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जनरल कंडीशन, कैंडिडेट हु हैव नॉट फुलफिल एडवर्टाइजमेंट नो नीड टू अप्लाई, यानी कि जिनके पास क्राइटेरिया नहीं है वो अप्लाई नहीं करें। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST 5 साल और OBC में को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। रिजर्वेशन जो है वो रहेगा विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी का आप सबको पता है कि कौन सी कैटेगरी को कितना जो है दिया गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्मेट में भी डाउनलोडेड फ्रॉम www.lgbrimh.government.in, ठीक है। सुप्रेस्क्राइब्ड विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आपको जो है इसमें भी जो ऑफलाइन आवेदन करना होगा और DD कटवानी है 100 रुपये की किसी भी गवर्नमेंट की बैंक से, किस नाम से कटवानी है वो आपको बता दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टर LGBRIMHT एजपुर एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो है इस नाम से आपको जो ऑफिस मैंने अभी बता दी डायरेक्टर LGBRIMHT के नाम से जो है DD कटवानी हो किसी भी बैंक से 100 रुपये की DD कटवा के आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे। इसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज और जो है उस पर अटेस्टेड फ़ोटो होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए 1 सेट ऑफ, और हो सकता है आप 2 सेट भेजे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। गाइस, इसका परफॉर्म है और जो है ये PDF और इसकी लिंक पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर ले वहाँ मिलेगी, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पीजे लक्ष्य क्लासेस 06 उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर ले वहाँ, दोनों जगह मिलेगा। साथ ही साथ जो है क्योंकि 5 व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, आप सभी लोगों का दोस्तों का प्यार इतना है तो ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे ही हम पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट दोनों चैनल्स पर लाते रहेंगे, पीजे वैकेंसी हब और पीजे लक्ष्य क्लासेस। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।